व्यक्ति की एक ही तमन्ना है और आपके यहां से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहां आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहां पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत की स्मृतियों को स्मरणीय बनाने के लिए और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ राज्याभिषेक और दीपोत्सव कार्यक्रम के इस मुख्य समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत पूज्य नृत्यगोपाल दास जी महाराज, आज के समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन जगतगुरु श्री सिद्धराचार्य जी महाराज, जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु विद्याभास्कर स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री महंत स्वामी मैथिली शरण जी महाराज, पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अयोध्या के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, मान्य विधायकगण, विश्व हिंदू परिषद से यहां पर उपस्थित श्री दिनेश जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले अयोध्या वासियों को और प्रदेश वासियों को दीपावली की और इस दीपोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब ने अभी हजारों वर्ष पहले
प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उस दृश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश सरकार के वाहन से, एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए। भरत मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अभी माननीय राज्यपाल महोदय, पूज्य संतों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विभूतियों ने भगवान राम की अर्चना की। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। यह दुनिया के 100 से अधिक देशों में पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और हर जगह इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है कि कैसे उस समय भगवान राम आए होंगे और कैसे पुष्पक विमान उतरा होगा और कैसे फिर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की होगी। यह दृश्य भी आप सब ने आज यहां पर पुनः देखा होगा। भाइयों बहनों, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, एक असमंजस की स्थिति थी। कार्यक्रम होना है, नहीं होना है, दीपावली का अयोध्या के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ इसका परिणाम क्या होगा। और उस समय सरकार के निर्णय, उस समय के हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के पूज्य संतों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वह उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कार्यक्रम बना है बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है। गत वर्ष हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है, यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। याद करिए, 30,500 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास को, और यह तो सरकार का पैसा, केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है। भाइयों बहनों, निजी क्षेत्र में भी बड़ा निवेश यहां होने जा रहा है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जब तक रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तब तक भाइयों बहनों अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगे। 50,000 करोड़ का मतलब लाखों लोगों के लिए रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी। अयोध्या ऐसे ही हर व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। भगवान ने स्वयं ही कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, या प्रसंग जानहि को। यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं, यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं।
भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना, ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा भी तो कोई दायित्व तो बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे, और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीप दान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है, इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान राम, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं, 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है, पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े। और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्रदास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की परंपरा, चाहे वह पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हों, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हों, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है, और आज वो साकार हो रहा है। तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोही यहां के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म नृत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो,
दैवीय आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी, कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ, मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों यही नहीं, इस दौरान कोई भुखमरी का शिकार भी ना हो, अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन, और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है, और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए हैं। अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बन रही है, आतिथ्य सेवा का, अतिथि देवो भव का एक पवित्र अभियान के साथ हमें जुड़ना है। याद रखना, अयोध्या में जितने पर्यटक और श्रद्धालु वर्तमान में आ रहे हैं, 22 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद इसकी संख्या इससे 10 गुना होने जा रही है। और मैं तो आभारी हूं यहां के सभी पूज्य संतों का, यहां के जनप्रतिनिधियों का, यहां के व्यापारियों का, यहां के नागरिकों का, समाज से जुड़े हुए अलग अलग तबके का, जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दी, कोई बैरियर नहीं आने दिया, कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्षित थी, अब अयोध्या उपेक्षित नहीं होगी। रामलला आ रहे हैं, रामलला के आने के पहले अयोध्या भव्य बन जानी चाहिए, दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए। और भाइयों बहनों इसी का परिणाम है कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दीपोत्सव को हम अपने स्वयं के आनंद के लिए तो लें, अपने पारिवारिक आनंद के साथ साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ लें, दीपोत्सव का आयोजन ही समाज के हर तबके को जोड़ने का आयोजन है। और भगवान ने यही तो किया था, अयोध्या से गए निषादराज को गले लगा लिया, जंगल में गए, चित्रकूट में गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकर के बढ़े, और एक ही संकल्प था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। और भाइयों बहनों राक्षस विहीन कर दिया इस धरती को, बड़े बड़े राक्षस थे, उनके पास बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े उनके पास सेनाएं थी, सब स्वाहा हो गए। और भाइयों बहनों जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए, वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया,
जामवंत भी, हनुमान भी, अंगद भी, सुग्रीव भी उनके मित्र बने।